और हाँ, आप सभी से एक बात ये कहनी है कि इधर ब्लॉग मेरा नहीं जा पाएगा, टाइम टू टाइम थोड़ा लेट होगा क्योंकि काम घर में ज़्यादा है, गेस्ट भी रहेंगे तो वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी, वो मेरा खुद का भी तो काम होता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिएगा और आगे ब्लॉग जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम भी नहीं जा पाएगा। और फिर मैं आगे आप लोगों के साथ बनी रहूँगी और अपनी चीज़ें शेयर करूँगी कि मेरे एनिवर्सरी में क्या क्या हुआ, हमने क्या किया, सब आपके साथ शेयर करूँगी। सारी तैयारियाँ एनिवर्सरी के वजह से हो रही है भाई, 25th एनिवर्सरी है। सुबह सुबह पहले भगवान को प्रणाम करिए मेरे साथ आप सब भी। तो देखिए 6:05 कम है, देखिए बाहर कितना अंधेरा है, देख रहे ना। तो आज फिर मेरी आँख बहुत जल्दी खुल गई और करीब 1-1.25 घंटा हो रहा होगा और मैं बेड पे लेटी थी क्योंकि ठंडा है तो इस वजह से थोड़ा बचाती हूँ, और खांसी भी फिर से मुझे शुरू हो गई और रात में इतनी गर्म होती है कि पूछिए मत। टाइम तो आप सबको अभी दिखाया ही है, मैं इतना सोती थी आजकल पता नहीं क्यों इतना सोती थी, मतलब रात में तो मैं हमेशा से नींद मुझे लेट में आती है लेकिन सुबह में सोती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों काम का प्रेशर है या जो भी है कि मेरी आँखें खुल जाती, नींद आती ही नहीं है और दिमाग में चलता रहता है। तो आप सबको मेरे ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में पता भी चल गया होगा कि क्या है, तो बस उसी की तैयारी सब चल रही है। और आज मेरा पार्लर बुक है, आज मुझे पार्लर जाना है, तो शायद इसी वजह से भी आँख खुल जाती हो कि काम का प्रेशर थोड़ा सा ही है। तो अब मैं सबसे पहले पार्लर, मुझे 11 बजे का टाइम मिला है तो सबसे पहले मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी क्योंकि किचन में काम ज़्यादा होता है। खांसी बहुत आ रही तो खांसी बहुत आ रही, कैमरा देखिए हिल जा रहा थोड़ा थोड़ा। और मैं क्या बोल रही थी भूल भी गई, हाँ तो 11 बजे का मेरा टाइम है और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करके, नहाना धोना ख़त्म करके फिर मैं पार्लर जाऊँगी और जो जो चीज़ें मैं दिखा सकती हूँ आप सभी को, जो भी रिकॉर्ड हो पाएंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और आज है 2 फरवरी तो बस एक एक चीज़ें शुरू, एकदम निकट पहुँच गए हम लोग। तो फिर रोज़ की तरह सबसे पहले मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाऊँगी क्योंकि ब्लैक टी लेने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ, मेरे गले में खसखसाहट बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद मेरे किचन का गीजर भी ख़राब हो गया है तो ठंडे पानी से मुझे काम करना होगा, तो थोड़ा सा मैं अभी रुक के ही 10 मिनट बाद ही करूँगी। तो पहले ग्रीन टी, अरे सॉरी, मैं हमेशा ब्लैक टी को ग्रीन टी बोलती हूँ क्योंकि इनको देती हूँ ना, मेरे दिमाग में ही रहता है। तो सबसे पहले ब्लैक टी लेके उसके बाद आगे का काम निपटा के फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो मैं निकल पड़ी हूँ जल्दबाजी में, मैंने घर पर कोई चीज़ शूट नहीं किया क्योंकि आप सबसे सुबह ही बताया था कि बहुत जल्दी है, तो जल्दी जल्दी मैं निकली। तो चलिए अब चलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करते जाए। तो बस चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। अगर मैं पार्लर में रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी तो जरूर आप सबको दिखाऊंगी क्या और कैसे किया, नहीं हो पाता है तो आप सबको बता दूंगी, मैं कोशिश करूंगी। अगर वहां कोई होगा तो मैं उससे बोलूंगी कि प्लीज मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, और क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ, कोई मेरे साथ है नहीं जो रिकॉर्ड कर दे, यही मेरे साथ मजबूरी होती है, अकेले मेहनत आप सबके लिए कर रही हूँ। कहाँ पहुँचे जितेंद्र भैया, कहाँ पहुँचे हैं? रहीम नगर चौराहे। चलिए पहुँचने वाली हूँ भाई, पहुँच गई हूँ। वेट कर रही हूँ, बैठ गई हूँ। जैसे लग रहा था मेरे कान में पानी चला गया।
पार्लर का काम हुआ फिनिश। बाल देखिए, अब पहले घर जाके ठीक करूंगी फिर निकलूंगी बेटे के काम से। बाल खोलने की आदत है ना, इसलिए मुझे खराब लग रहा है, सब बिंदी उंदी निकल गया है। और वहाँ मेरी बहस भी हो गई तो बस इसलिए चेहरा भी बिगड़ गया है। घर की भी तैयारियाँ शुरू हो गई, इधर बेड वगैरह सब नीचे पहुँच गया। ये जगह पूरा फ्लोर खाली कर दिया गया है क्योंकि ज़मीन पे बिस्तर लगाना पड़ेगा, इतने लोग आ नहीं पाएंगे। बाकी उस दिन तो वहाँ पे कमरे बुक है, लेकिन उसके पहले तो व्यवस्था घर पे करनी होगी ना। तो देखिए जगह खाली हो गए, अब कल सुबह काम वाले आएंगे तो साफ कर दें। मैं घर पे आ गई, अभी जस्ट पहुँची हूँ और थोड़ा सा अपना कंघी किया, चेहरा थोड़ा सा ठीक किया, बिंदी वगैरह लगाया। अब मैं जा रही हूँ बेटे के साथ, उसके लिए ड्रेस लेना है, वो कपड़ा लेना है। तो देखिए क्या लेता है वो। मामूली बात थोड़ी ना है। हो गई है 6:15 हो रहा है। देखिए गाइस, अच्छा होता है कपूरथला पे। किसका है बेटा? देवा का ना, देवा का है। और मैं अब गाड़ी में खाते हुए जाऊंगी, इतना अंधेरा है कि मैं आप सबको दिखा नहीं सकती। अब कोशिश करूंगी फ्रंट कैमरे से दिखाने की, अगर दिखेगी तो ठीक। भाई दिख रहा है, ये देखिए रोल लिया मैंने, भूख बहुत तेज लगी। अब मैं खाने जा रही हूँ, खाने के बाद अब घर पे भी मिलती हूँ। बस मैं आ गई हूँ अपने लिए चश्मा लेने, साथ बेटे के साथ। मैं घर पहुँच गई और काम नहीं हो पाया आज का, पार्लर के अलावा ना उसका कुर्ता पैजामा मिल पाया उसके साइज का, और ना मेरा चश्मा हो पाया क्योंकि आई टेस्ट करने वाला नहीं था लेंस कार्ड पे भी, और कल बुला रहा था, कल मेरे पास अब टाइम नहीं है, कल मेरा मेहंदी है तो मेहंदी लगाने जाना है मुझे, तो मैं नहीं अब कर पाऊँगी। बाद में थक गई हूँ, आके देखिए मैंने कंबल ओढ़ा और मैं बैठ गई। अब कुछ देर में एक घंटे से बैठी रहूँगी, लेटी रहूँगी, तभी फिर कुछ काम कर पाऊँगी क्योंकि खांसी भी बहुत ज़्यादा है।